को तो पता ही यार, ऑल मेन आर डॉग्स। फिर तो तेरे पापा भी कुत्ते हुए ना। ओह 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 हेलो, माय पापा इज नॉट अ डॉग, ही इज अ गाय। अच्छा, पैर वाला गाय नहीं, जी यू वाई वाला गाय। हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सारे लोग लॉकडाउन में मौज ले रहे हैं। नहीं तो जैसा कि आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा भाई, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा, पूरा आतंक मचा पड़ा है यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे, जहां भी देखोगे। मेरे को नहीं पता था मेरी एक छोटी सी रोस्ट वीडियो के वजह से इतना सब बवाल खड़ा हो जाएगा, बट अब मैंने सोची है कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टिकटॉक का रोस्ट नहीं करूंगा, करूंगा। इनफैक्ट मैंने एक बहुत सेक्सी टॉपिक सोच रखा है टिकटॉक रोस्ट के ऊपर, उसको करेंगे थोड़े टाइम का गैप लेके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। मुझे पता है जो मैंने टॉपिक चूज करा बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मेरे को नहीं करना चाहिए था, बट भाई मेरे को सच बोलने में मजा आता है। जब मैं टॉपिक चूज कर रहा था, मेरा दोस्त कहता है भाई ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इससे दूर रहे क्योंकि इसमें लड़की वड़की इन्वॉल्व है। तुम्हें पता आज की तारीख में इंडिया में क्या होता है और क्या नहीं होता है, मेरे को पता तुम्हें पता है। तो भाई मैंने उसको बोला कि भाई अपने तरीके से हम तो सच बोलेंगे, अगर पब्लिक थोड़ी समझदार है, उनको पता चला कि हाँ भाई सच बोल रहा है, तो भाई ये साथ देंगे मेरा। और अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा पब्लिक रिएक्ट भी करेगी, बहुत सारी चीजें मेरे को बोलेगी, तो अगली बारी सुधार लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सह लेंगे थोड़ा सा। उसमें क्या है? वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सब मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को कोई हेट नहीं करता, हर बार बोल के चलता हूँ, बट वो ये पिछली बार बखेड़ा खड़ा होगा, इस बार होप करता हूँ ना हो कुछ भी ऐसा। तो भाई मेरी तरफ से कोई हेट नहीं किसी को, मेरा ओपिनियन है बस ये। और अगर इससे कोई ऑफेंड होता, मेरे को पता बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, तो उनको एक छोटी चीज बोलूंगा, हो जाओ भाई हमारा क्या ही पार्ट होगा तुम, बट जिस दिन तुम्हें सच्चाई झेलनी आ जाए, वीडियो में सच्चाई देखनी आ जाए, तो भाई इस वीडियो को देख लेना, ना आए तो फिर मेरी माँ की। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, उनमें बहुत सारी लड़कियों ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं लड़कों से, कि दिखाऊंगा अभी तुम्हें आगे, उन पे रिएक्ट करें, उनका जवाब देंगे अपने स्टाइल में। बट ये सब शुरू होने से पहले जानते हैं कि फेमिनिज्म क्या होता है और फेमिनिस्ट कौन होती हैं। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, आइडियोलॉजी है, मेरे को पता है तुम्हें इस भाषा में समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया था, तो तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ भाई। फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं, और ये बिल्कुल सही बात भी है भाई, लड़का लड़की सब बराबर है, क्योंकि ये सब होने से पहले हम एक इंसान है और दोनों को बराबर राइट्स मिलने चाहिए। और कोई भी अगर चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, इस बात से डिसएग्री करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आई एम रियली सॉरी, मेरे को बोलना पड़ेगा भाई तुम चूतिया हो और तुम इस सोसाइटी में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। यहाँ तक भी बात बिल्कुल सही चल रही थी, फिर भाई हमारी सोसाइटी में आती है सूडो फेमिनिस्ट, जिसको मतलब नहीं पता, सूडो फेमिनिस्ट का बहुत भारी शब्द है, मैं आप लोगों को अर्थ बताता हूँ। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, सारे मर्द कुत्ते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स तुमने सुना होगा, लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग इनके बारे में बोलने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इनके पास है वुमेन कार्ड। आपने सुना होगा फुटबॉल में रेड कार्ड होता है ना, जिससे ऐसे दिखाता रेफरी और प्लेयर बाहर हो जाता है, जो इनका कार्ड है वुमेन कार्ड वो इससे बहुत ज्यादा ऊपर है, उससे जाता है आदमी सीधा जेल। तो भाई मैं तो बिल्कुल सोच समझ के बोलने वाला हूँ, क्योंकि हमारे देश में ऑफेंड होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब गाड़ियां थूक देते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां लड़कों से कुछ सवाल पूछना चाहती है, बहुत सारे मन में इनके सवाल हैं, उनका एक एक करके सवाल लेंगे और एक एक करके जवाब देंगे भी अपने स्टाइल में। तो सुनते हैं क्या सवाल है इनके। Why don't you change your underwear more often? Like जॉलर शादी दुश्मनी आज। इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता, दोनों को इक्वली ट्रीट करता हूं, इसलिए जवाब भी उसी हिसाब से दूंगा। तो आइए इसके सवाल पे आते हैं। तो ये टाटा 407 पूछ रहा है, मैडम हम लड़कों से पूछ रही है कि यार तुम अपना अंडरवियर चार चार दिन तक कैसे चला लेते हो और चेंज क्यों नहीं करते हो, मतलब क्या मजबूरी है, तुम्हें सूख नहीं आती क्या? तो भाई मैं इस मैडम को बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, हम लड़के ऐसे ही होते हैं, हम सूखले होते हैं, बल्कि 95% लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी अंडरवियर चार चार दिन पांच पांच दिन चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस है, हमारा अंडरवियर, हम उस अंडरवियर के साथ कुछ भी करें भाई, उसे काटे घोले फेंक दें, चार दिन चलाए पांच दिन चलाए, तुम्हें क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? बाबा तुम इतना घूरता काहे को है रे, ऐसा ऐसा करके आंखा बना कर Why do you stare? देखो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से इस मैडम की कि लड़के लड़कियों को घूरते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, पर लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को, तो ये चीज भी एड्रेस करनी चाहिए। और अगली बार कोई भाई ऐसी वीडियो बनाओ ना तुम, तो उसमें इस बात को जरूर उठाना कि लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को और वो भी गलत बात है।
पर मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इसको किसने घूर दिया यार। मतलब उस लड़के की क्या मजबूरी थी जो उसने इसको घूरा। अगर मेरे सामने कोई ऑप्शन रखे ना भगवान कसम की भाई, क्या तो एक ऑप्शन है तुम इसको घूर लो और दूसरा ऑप्शन है तुम फांसी लगा लो। माँ कसम मैं फांसी लगा लूंगा। Why am I a Dian, Chudel, bitch, whore, slut if I wear red lipstick? यार ये कितनी ज्यादा चूतिया बात है कि इस लड़की ने रेड लिपस्टिक लगाई और इसको किसी ने गाली बकती। बहुत सारी डायन है, चुड़ैल है और भी बहुत सारे शब्द जो इसने अपने लिए यूज करे मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वुमेन कार्ड तो समझ गए ना इसने अपने लिए क्या क्या बोला है। प्लस मैं इसको बोलना चाहूंगा कि दीदी ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि तुमने रेड लिपस्टिक छोड़ो, तुम किसी भी कलर की लगाओ यार, तुम्हें कौन गाली बकेगा, क्यों गाली बकेगा। मेरे हिसाब से तुम बहुत ज्यादा गलत जगह रहते हो, तुम्हें वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। शायद तुम पाकिस्तान रहते हो इसलिए तुम्हें गाली पड़ रही है, तुम इंडिया आओ। उधर मत रह, तू इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। यहाँ पे तुम जैसी मर्जी लिपस्टिक लगाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लाल लगाओ, नील लगाओ, पीला लगाओ, मर्जी तुम्हारी लगाओ। Why do you think it's okay to say थोड़ा 1-2 किलो गेन हो गया ना? They are my kilos. You cannot comment on that. तो शायद तुम्हें अब तक पता लग गया हो ये लड़कियां कितनी ज्यादा दोगली हैं। अब तुम्हें मैं प्रूव करूंगा। इसमें बोल रही है कि दीज आर माई किलोस, तुम्हें क्या है मैं चाहे बढ़ू घटू, मतलब इस टाइप का कुछ बोल रही है। और वो याद है वो लड़की बोल रही थी कि तुम अंडरवेयर क्यों पहनते हो 4-4 दिन। तो अब ये चाह रही है कि हम तो तुम्हें जज करेंगी, पर तुम कौन हो हमें जज करने वाले? तू होता कौन है लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकने वाला? अब आते हैं इस मैडम के पॉइंट पे कि दीज आर माई किलोस, मैं बढ़ू घटू तुम्हें क्या है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रोड पे चल रही है और किसी दूर से आदमी ने रुक्का मार दिया, ओ मैडम तेरे 2 किलो बढ़ गए। ऐसा तो नहीं होगा, किसी दोस्त ने आके बोला होगा। मेरे को भी बहुत सारे दोस्त बोल देते हैं कि ओ साढ़े खाना खा लेकर पहन चो थोड़ा वजन बढ़ जाएगा। मैं इसको अच्छे वे में लेता हूँ, ऐसा थोड़ी ओ साढ़े तुझे क्या है मैं अपने खाऊं ना खाऊं दीज आर माई किलोस, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता भाई। तो ये क्या ही बोलूं मैं इनको, समझ नहीं आता कि क्या इनके लिए सही है क्या गलत है। मेरे हिसाब से इनको थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। वैसे 40 प्लस है बट दिमाग से बड़ा होने की जरूरत है। तो प्लीज दीदी थोड़ा सा बड़े हो जाओ दिमाग से। यू ऑलवेज स्टेयर एट माय क्रॉच लाइक Why? এতটাও লেভেলে থাকি হওয়ার কোনো দরকার নেই। कौन देख रहा है यार, इतने डेस्परेट लोग भी बैठेंगे हमारी कंट्री में, मुझे नाम बताओ भाई उसका जो जो इसे देख रहा है। Shit! Pink lipstick. Am I asking for it? भाई इसकी लिपस्टिक ना खाली, हम तो ये बिचारी लाल लगा के निकला है तो इसको कोई गाली बक दे। अब इसने सोची थी कि यार मैं लाल लगा के निकली तो मेरे को किसी ने डायन कह दी, अब एक काम करती हूँ पिंक लगा के निकलती हूँ, क्या पता कोई कुछ ना कहे। पर लोग समझदार है, लोगों ने इसको पहचान लिया। सॉरी। तो यार दीदी आप एक काम करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने टोटका करा रखा है, आपकी लिपस्टिक स्कीम की नजर उतरवाओ और लिपस्टिक की ब्रांड चेंज करो, या फिर एक काम करो तुम ना तुम क्रियोन्स लगाओ। स्टॉप टेलिंग मी टू एडजस्ट माय ब्रा, आई स्पेंट लाइक half my salary on this, like I want people to see it, baby. मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, मुझे इस औरत से प्यार हो गया। भाई सुनो मेरी बात ठीक है, इतना चूतिया कौन होता है जो अपनी आधी सैलरी की ब्रा खरीद लाए। अब सपोज मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ मान लो, तो मैं यार बहुत बड़ा चूतिया हूँगा अगर मैं 25,000 रुपए के कच्चे बनियान खरीद के ले आऊंगा। यार क्या तो ये झूठ बोल रही है या फिर ये 500 रुपए कमाती है। और अगर ये 500 रुपए कमाती है तो मैडम उसको सैलरी नहीं कहते, उसको बोलते हैं हम दिहाड़ी। और इसमें वीडियो में मैडम बोल रही है कि आई वॉन्ट पीपल टू सी इट, मतलब अपनी ब्रा स्ट्रैप के बारे में। तो आप प्लीज मेरे को क्लियर कर दो, आपसे मैं पूछना चाहूंगा प्लीज क्लियर करो कि ब्रा स्ट्रैप देखनी है या नहीं, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो तुम कहोगे ए रेपिस्ट ब्रा स्ट्रैप देख रहा है, तुम कर दोगे अपना वुमेन कार्ड दिखा के। तो प्लीज मेरे को ये चीज क्लियर करो। और अगर तुम्हें कोई देख रहा है ना तो यार वो बहुत बड़ी बात है, प्लीज उसको मतलब भगवान की दया समझो प्लीज। जब भी मेकअप करके आती हूँ तो ये क्यों बोलते हो मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया ना? वाह दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि दीदी के पास एक नया टॉपिक है, लिपस्टिक से हटके लाल पीले लिपस्टिक इनको छोड़ते साइड, नया टॉपिक है मेकअप। तो भाई किसी ने दीदी को बोल दिया, किसी राह चलते ने तो पक्का नहीं बोला होगा, कोई किसी को नहीं बोलता कि वो तेरा मेकअप ज्यादा, किसी नोन ने बोला कि यार तुमने मेकअप ज्यादा कर रखा है। और मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा बड़ी गलती है उसकी कि उसने दीदी को ये सब बोला, उसकी गलती ये है कि उसने सच बोला। तो यार अगर तुम्हारा कोई नोन बोल रहा है कि तुमने मेकअप ज्यादा लगा रखा है तो शायद तुमने लगा रखा हो, कम कर लिया करो उसकी खुशी के लिए, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10-15 साल का ही फर्क आएगा। Just because I like to dress up और या मुझे मेकअप करना पसंद है doesn't mean I want to be an actress. Stop calling me करीना कपूर। भाई जिसने भी इसको करीना कपूर बोला है ना, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। और अगर किसी ने बोला है ना तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसका नंबर निकलवा के दे दो, मैं उसके खुद अपने हाथों से ऐसे चश्मे चढ़ाऊंगा कि कितने नंबर का चश्मा चढ़ता भाई तुम्हारे। और उसके दिमाग में जितनी भी बीमारियां हैं डिफेक्ट है सब तुम्हारा भाई ठीक करवाएगा, सर्जरी भी करवानी पड़े ना, बैठे हुए हैं उसका पैसा भी भर दूंगा मैं, प्लीज मुझे उसका नंबर निकलवा के दे दो। और भगवान के लिए इसे करीना कपूर मत बोलो यार प्लीज, राखी सावंत को करीना कपूर नहीं बोला जा सकता।
Why on earth are you such a mama's boy? क्योंकि वो हमारी मम्मी है, उन्होंने हमको पैदा किया है, वो हमसे प्यार करती है, हम भी उनसे करते हैं, इसलिए हम मामाज बॉय हैं। आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, अगर आपको एक लड़की पहचाननी है ना तो उसका बिहेवियर देखना अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, और अगर वो ऐसा बोलती है ना कि भाई क्या तो अपने पेरेंट्स के साथ रहो या मेरे साथ, तो भाई समझ जाना कि टाइम आ गया है कि उसको छोड़ देना है। थोड़ा बुरा लगेगा बट जिंदगी सुधर जाएगी। अब आते हैं इन सूडो फेमिनिस्ट लड़कियों पे। मैं तो इनको कसम से सोहा नहीं रहा था, मैं सोच रहा था मतलब किसी तरह बस मैंने झेला इनको, जो रीच रीच के बोलती है मेरे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, शायद तुम्हें पसंद हो, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। और जो जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज इनके चक्रों में ना पड़े, एट द एंड आपका ही लॉस होगा। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ये ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं कि लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए, जो लड़के करते हैं वो करना चाहिए, बट ये कभी ऐसा नहीं बोलती कि लड़के जो अच्छा कर रहे हैं लड़कियों को वो चीज भी फॉलो करनी चाहिए। तो तुम डिफरेंस समझो और प्लीज फेमिनिज्म का असली मतलब पहचानो। ये लोग सोशल मीडिया पे भाषण देके भाग जाएंगे बट तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तो प्लीज इन ऐसी लड़कियों के चक्करों में मत पड़ो। अगर तुम्हें कुछ चीज सीखनी है तो अपने दिमाग को डेवलप करो, उसको पहचानो, मतलब चीजें पहचानो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और दोबारा बोलूंगा कि भाई ऐसी फेक फेमिनिस्ट लड़कियों के चक्करों में मत पड़ो, अपने घर वालों का साथ दो और अपने दिमाग का साथ दो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब चीज कर देना, भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर पसंद आया तो। तो करना, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, यहीं कहीं आगे होगी लिंक, क्योंकि मैं वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी डालता रहता हूँ। और मेरा मेन चैनल भी है एलविश यादव, जिसपे 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उसको भी फॉलो कर लेना। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।